समस्तीपुर, जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समस्तीपुर वासियों को बड़ी सौगात दी। नीतीश कुमार ने सरायरंजन राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज का उद्घाटन किया है, तो इस अच्छे चलते आपको समस्तीपुर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संबोधन में कर दीजिएगा ना, समझ लीजिए, तो उसके लिए भी बड़ी खुशी होगी। तो सब तरह से, हर प्रकार से, तो इसलिए आप सब लोगों को, आप जो है सामने वाली सड़क के बारे में भी जो बात आई है हमारे सामने, तो इसका भी चौड़ीकरण सड़क वगैरह का भी करा दिया जाएगा, क्योंकि कई प्रकार से आप जानते ही हैं कि दोनों है और लोगों को आने जाने में और सब तरह से सुविधा हो जाएगी। तो वो सब काम तो हम लोग कराएंगे, जो भी जरूरी है वो सब काम तो आपकी सेवा में हम लोग करेंगे। लेकिन इतना ही हम लोग कहेंगे कि भाई हम लोग लोगों की सेवा करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं सोचते हैं। आप लोगों ने मौका दिया है तो आपकी सेवा करना ही हमारा कर्तव्य है, और इसको छोड़ करके हम लोग नहीं कुछ सोच सकते हैं। जो भी सोचेंगे, आपकी तरक्की हो, बिहार आगे बढ़े, देश का विकास हो, इसी के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। और जो भी संभव है, रात दिन हम लोग इसी के बारे में काम करते हैं। और आप सब लोग जब यहाँ इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं, और आप सबका जो समस्तीपुर जिला है इसके प्रति, तो आप सब लोगों के प्रति तो मेरा विशेष लगाव है जी। आप पिछला बार जो समस्तीपुर में बाढ़ का जो स्थिति हुआ था, कितना बार कितना जगह हम घूमने गए थे, सब जगह देखते हैं, और समस्तीपुर में कितना बार आते रहे, आप समझ लीजिए कि सारी बात जो आपके यहाँ है तो ये पूरे के पूरे तौर पर समस्तीपुर से तो बहुत लगाव न है जी हम लोगों का। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से रिश्ता है, इसलिए हम लोग कभी समस्तीपुर को भूल सकते हैं, और हमेशा आपके लिए तो विशेष सेवा करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोग इस कार्यक्रम में आए, और मैं विभाग को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने काम कर दिया है। सिर्फ मेरी एक बात, मंत्री जी से लेकर के, और दोनों सुन लीजिए मंत्री जी, अरे वो दोनों बतिया रहे हैं आप, अरे आपको भी हम सुना रहे हैं, बैठिए, और यहाँ पर भी इनको भी सुना रहे हैं। एक बात यही है कि देख लीजिए, इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, इसमें जितने टीचर्स की जरूरत है, अन्य लोगों की जरूरत है, आप अभी बोल रहे थे, जल्दी से जल्दी सब की बहाली हो जानी चाहिए ताकि तेजी से काम हो जाए, और लड़के लड़कियों की संख्या और भी इच्छुक रहेगी तो उसकी संख्या भी बढ़ाने के लिए सोच लीजिए। मेरी एक बड़ा एक अनुरोध है, और दूसरा अनुरोध है भवन निर्माण विभाग से, दोनों हैं, सेक्रेटरी साहब भी हैं और मंत्री जी भी हैं, एक बात जान लीजिए, बिल्डिंग का पूरे तौर पर मेंटेनेंस हमेशा रखिएगा, थोड़ी भी गंदगी नहीं आए, पूरे तौर पर मेंटेनेंस हो, लड़का लड़की जो पढ़े रहती है, कहीं भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, कहीं भी कोई दुर्गंध नहीं होना चाहिए, पूरे तौर पर रोज साफ सफाई होना चाहिए। और बैठे हुए हैं सेक्रेटरी साहब, आपके इंजीनियर लोग भी बैठे हुए हैं, मेरा बतवा जरा मान लिया दीजिएगा, इंजीनियर सबको कहते हैं कि अरे भाई अब वही ना पढ़ैया पढ़े, तो जरा ध्यान रखना कि एकदम बिल्कुल जो है बिल्डिंग का मेंटेनेंस होना चाहिए, कहीं भी थोड़ा भी इधर उधर गड़बड़ी उसमें नहीं आनी चाहिए। तो अगर आज लाए हैं हमको आप इसका उद्घाटन करने के लिए, तो बिल्कुल ठीक ढंग से इसको देखते रहिएगा और मेंटेन करिएगा, तो मुझको बड़ी खुशी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस अवसर पर आप सबको संबोधित करने के लिए, अपना आशीर्वाद, अपनी शुभकामनाएं और मार्गदर्शन देने के लिए। जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद। और अब मंचासीन सभी सम्मानित माननीय अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर उनका अभिनंदन। मैं श्री योगेंद्र सिंह जिलाधिकारी समस्तीपुर से अनुरोध करती हूँ, सरायरंजन में नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। वही कार्यक्रम में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय भी मौजूद थे, और बिहार के डिप्टी सीएम और
कई मंत्री भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। और आपको बता दें कि बड़ी सौगात समस्तीपुर वासियों को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दी है। विभाग उनका अभिनंदन। और अब श्री आलोक कुमार मेहता माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का अभिनंदन। श्री श्रवण कुमार माननीय मंत्री ग्रामीण विकास व प्रभारी मंत्री समस्तीपुर का अभिनंदन। श्री अशोक चौधरी माननीय